हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन क्लास फिफ्थ का चैप्टर टीम वर्क इस चैप्टर में क्या है एक सॉन्ग टाइप का है इसमें क्या हम से कहा गया है एन में आर में सिंग एंड डांस टीम वर्क टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क तो इसमें टीम वर्क के बारे में बताया गया है टीम वर्क का मतलब होता है साथ मिल के कोई काम करना तो इसमें कहा गया है साथ मिलकर काम करो साथ मिल के काम करो और साथ मिलकर काम करने पर जो भी आपका ड्रीम वर्क है आपका सपना है काम करने का उस काम को पूरा करो देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वट वी हैव डन टीम वर्क एवरी और अगर हम साथ मिलके काम करते हैं तो हमें खुशी होती है और वो खुशी हम आपस में ही सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने सपने साथ में मिल काम किया है इट्स फन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हुप, बट इफ़ नो बडी पासिस नोबडी बडी शूट्स और बास्केटबॉल खेलना जो काफ़ी ज़्यादा मज़े का खेल होता है वो हम अकेले नहीं खेल सकते हैं कैसे खेलते हैं एक बास्केटबॉल लेके आता है फिर वो दूसरे को पास करता है फिर जो जिसको पास किया गया होता है वो जो बास्केटबॉल का जो सर्कल होता है जिसमें बास्केटबॉल डालनी होती है वो डालता है तो ये क्या हुआ ये एक टीम वर्क हुआ एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पार्ट द बैट रिले रेस होती है जिसमें जैसे कि चार या पांच लोग पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें पहला एक बंदा भागता है जैसे कि कोई पहला जो वो होता है रेसर वो भागता है रनर वो एक बैटन लिए रहता है एक बैटन है डंडी हो सकती है कोई टॉय मतलब कुछ भी हो सकता है वो एक बैटन लिए होता है वो उसको लेके भागता है फिर जब अपने उससे जो उसका साथी होता है उससे मिलता है वो उसको दे देता है दे। फिर वो दूसरे वाला भागता है फिर दूसरे वाला जितना डिस्टेंस भागता है भागता है तो उसके बाद वो तीसरे वाले को देता है और फिर वो चौथे वाले को देता है और चौथा वाला जो होता है वो फाइनल रेस लाइन पर जाता है और रेस को कंप्लीट करता है तो क्या होता है रिले रेस भी एक टीम वर्क है अगर टीम वर्क ना होता तो रिले रेस कैसे होती वी आर द पार्ट्स दट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉटअर आइज ऑन अ कॉमन गोल और हम जो है सब साथ मिलकर छोटे छोटे पार्ट्स में जो काम करते हैं उसको एक होल बना सकते हैं एक पूरा काम बना सकते हैं अगर हम साथ मिल के काम करें और हमारी जो आइज़ हैं अपनी आँखें एक कॉमन मतलब जो गोल सभी का हो उस पर टिकाएँ समटाइम्स इट कैन बी बिग प्लस वेन यू और मी बिकम्स एन अस और कई बार क्या होता है एक बहुत ही अच्छा प्लस बन जाता है बहुत ही अच्छी बात बन जाती है जब मैं और तुम मिलके हम दोनों बन जाते हैं तो यहाँ पे हम मेरी बोया कंप्लीट हो गई है और देखते हैं हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे हमने सीखा टीम वर्क टीम वर्क मतलब का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना हुप का मतलब होता है जैसे इसमें दिया हो गया है वुडन और अ आयरन रिंग ट्रेंडल्ड अलॉन्ग सो along अ चाइल्ड मतलब जैसे आपने शायद कभी देखा हो एक बड़ा सा सर्किल जैसा होता है उसको अपनी कमर के अराउंड लगा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं हिलाने की कोशिश करते हैं वो हुप होता है गेम होता है पासिस मतलब पास से गुजरना और रिले रेस मैंने आपको बता ही दिया था बैटन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है तो अब इसके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन इफ नोबडी पासिस द बास्केट बॉल इन अ बास्केट बॉल गेम देन यू क्या दिया हुआ है देखिए यहां पे क्या लिया हुआ है देन यू इट और यू कैन नॉट शूट इट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिले रेस इफ नो वन द बैटन देन नो वन कैन विन इट नो वन कैन प्ले इट ऑल्सो आप देखिए इसमें अच्छा ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं तो हो गया हमारा यहां पे हमारी पोइम कंप्लीट हो गई